हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी रूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहे। तो बात करते हैं, जहाँ पे 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग S20। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 14 मैच की, जो कि खेला जाएगा पाल्स रॉयल और MI कैप्टाउन के बीच में। इन दोनों की रिसेंटली बात करें तो 19 जनवरी को दोनों के बीच में एक मैच हुआ था, जिसमें से MI कैप्टाउन मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं यह मैच 21 जनवरी को बोलिन पार्क में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी 64% रहेगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बर्तन चलते हैं विनिंग परसेंटेज की बात की जाए, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 100% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 0% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 134 है, तो ही सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 135 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे पाल्स रॉयल 0 मैच जीत के आए, तो वहीं पे MI कैप्टाउन 3 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम पाल्स रॉयल का स्वॉट एनालिसिस किया जाए, जहां पे टीम को लास्ट गेम में टूर्नामेंट की पहली हार मिली थी। अभी तक टोटल 4 मैच खेले, जिसमें से 3 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। की ताकत उसकी बैटिंग है। डेविड मिलर जो टीम के कैप्टन है, उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन भी बनाए ओपनिंग में, जहां पे जॉस बर्टन है, जेसन रॉय दोनों ने अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर जहां पे वियान लुबे एंड वन बुरेन है, ऑलराउंडर जहां पे फैब एलन एंड फेल्को जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। लास्ट गेम की बात करें तो बॉलिंग भी फ्लॉप थी, वहीं लास्ट गेम में टीम बस 2 विकेट ही ले पाई। फास्ट बॉलर की बात करें तो लुंगी नगेटी, ओवर मैक कॉल नगेटी टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे तबेश समझी टीम को लीड करेंगे, लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। विजॉन फॉर्टिन जो कि विकेट लेस है, यहां टीम MI सीट से पिछली बार हार का बदला लेना चाहेगी। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जेसन रॉय है, जॉस बटलर, वियान लुबी है, वन बुरेन, डेविड मिलर, एंड्रयू फेल्कोय, फेबियन लैनर, बिजॉन फॉर्टिन, लुंगी नगेटी, तबेश शम्सी, ओवेन मैककॉय। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे डेविड मिलर हैं, जॉस बटलर हैं, लुंगी नगेटी है। अब बात करते हैं दूसरी टीम MI कैप्टाउन का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला हो रहा था। टीम में कैप्टनसी की कमी भी दिखी, टीम अब तक खेले गए 4 मैच में 2 मैच में ही जीत पाए, 2 मैच में टीम हार गई थी। टीम टेबल नंबर 3 पे स्टेबल केयर पड़ा, जो इस सीजन में MI के कैप्टाउन लीड कर रहे हैं। इनकी बैटिंग बात करें तो बहुत स्ट्रांग है और हर मैच में रन बना रहे हैं। लास्ट गेम में टीम ने 172 का टारगेट बस 2 विकेट के नुकसान पर चेस किया था। टीम को रशी वन दुर्सन और रिकेल्टन से ओपनिंग में अच्छी स्टार्ट की उम्मीद होगी। लास्ट गेम में वानदर ने 140 रन बनाए, वहीं रिकेल्टन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। 4 मैच में उन्होंने 87, 98, 98, 94 की इनिंग खेली है। डेवाल ब्रेवी जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे, लियान लिविंगस्टोन जो कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं। टीम की बैटिंग में डेप्थ है, लोअर ऑर्डर में जहां पे सैम करन और पोरास अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, कि उनको ज़्यादा बैटिंग से मिली अब तक नहीं मिली है। वहीं टीम की वीकनेस उसकी बॉलिंग है, टीम के पास एक एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, जो और टीम को कैसिगो रवारा और थॉमस कीवर से न्यू बॉल के साथ अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। जॉर्ज लिंडर लगातार विकेट निकाल रहे हैं, सैम करन एक्सपीरियंस बॉलर है, ओलियर स्टोन यहां पे बॉलिंग करना चाहेंगे। अब बात करते हैं MI कैप्टन का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे किरण पोलार्ड है जो कि कप्तान बन चुके हैं, रसिन वान दुसेन है, रियान रिकेल्टन है, कॉनर स्टर्निज है, डिवाल ब्रेवी से कसिगो रवा, सैम करन, लाइम लिविंगस्टोन, जॉर्ज लिंडे, ओली स्टोन, थॉमस कवर। अब इनके कुछ की प्लेयर बात करते हैं, जहां पे किरण पोलार्ड है, सैम करन है, कसिगो रवा रहा है। दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अगर पढ़ते हैं चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच बने MI कैप्टाउन होगा, यहाँ पे पास रॉयल को अगेन हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।